गुरुग्राम पुलिस ने 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार हुए वसीम पर आरोप है कि उसने अमेजोन कंपनी की गाड़ी से 860 से ज्यादा मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी कीमत लाखों करोड़ रुपए है। पुलिस ने आरोपी को कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कंपनी की गाड़ी को निशाना बनाया था और कई महंगे मोबाइल फोन चोरी कर लिए थे। इस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। वहीं पिछले काफी समय से पुलिस इस मुख्य आरोपी वसीम की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने आरोपी वसीम को श्रीनगर के डार मोहल्ले से गिरफ्तार किया है। ये दिसंबर 2021 में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की गाड़ी अमेजोन का सामान लेके और अपने गंतव्य के लिए चली थी, और जो ही वो वहाँ पे ढाबे पे खाना खाने के लिए ड्राइवर रुका, उसके बाद उसने मालिक को फ़ोन करके बताया कि गाड़ी की सील टूटी हुई है और उसमें से कुछ सामान चोरी है। जिस पे जाके उन्होंने चेक किया तो उसमें से काफ़ी सारे सामान चोरी था, जिसके संबंध में हमारे थाना बिलासपुर में FIR दर्ज करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम पालम VR ने उसमें 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार करके और 3 लाख समथिंग की रिकवरी हम पहले कर चुके हैं। इसमें एक मुख्य आरोपी जो जिसका नाम सर वसीम अहमद है, जो नू का रहने वाला है, और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो कश्मीर में है, तो वहाँ से श्रीनगर से हमने उसको 11 तारीख को गिरफ्तार किया और उसको यहाँ कोर्ट में प्रोड्यूस करके और उसका पुलिस रिमांड हासिल करके उससे पूछताछ की गई। ड्यूरिंग पूछताछ उसने बताया कि मैंने 860 के करीब मोबाइल इस गाड़ी में से चोरी किए थे और उनको अलग अलग जगह पे हमने ठिकाने लगाया था, जिसके संबंध में पूछताछ की जा रही है और बाकी फ़ोनों को रिकवर करने के प्रयास लगातार जारी हैं। इसे 4 महंगे Z फोल्ड फ़ोन, जो एक फ़ोन की कीमत लगभग 2 लाख के करीब है, वो हमने बरामद किए हैं। बाकी जो सामान उसमें बाकी चोरी हुआ था उसके लिए भी लगातार टीम प्रयासरत है और बहुत जल्द उसको भी हम बरामद करने में कामयाब होंगे। ये जो आरोपी है वसीम, इस पे UP पुलिस की तरफ से वहाँ UP में भी इसने इस तरह की वारदात कर रखी है और वहाँ से 15,000 रुपये का इनाम इस पे घोषित है। हमने UP पुलिस को भी इसके बारे में इंटीमेशन भेजी जा रही है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी वसीम ने हरियाणा, UP व अन्य कई राज्यों में आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें UP पुलिस ने वसीम पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित भी किया हुआ था। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है, उसने अमेजन की गाड़ी से 860 सैमसंग फोल्ड मोबाइल चोरी किए थे। आरोपी वसीम पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए कश्मीर के श्रीनगर में डार मोहल्ले में किराए पर रह रहा था। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब के CCTV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।